हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप साहब? तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब जीआईएफ का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को हम लोग ना फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन प्लस इंटीग्रल पार्ट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि दिस इक्वल टू एक्स माइनस दिस, यानी कि अब मेरा कहने का मतलब है कि इसको और इसको दोनों को एक ही मिलाइए, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को हटाना, सही समझा, तो हटा दे रहा हूँ, और इसको हमने i मान लिया, ठीक है। सो अब i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 to 3, और ये हो जाएगा x माइनस, और यहाँ पे लिख लेंगे दिस, और होल पावर भी आपके पास दिस है, और यहाँ पे dx। अब आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिर्फ काम यहाँ पे रह गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि ये हमेशा इंटीजर पे वर्क करता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझिए एक चीज़ कि कुछ x लिखा हुआ है और ऐसे लाई कर रहा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो जी आई एफ ऑफ x यानी कि बॉक्स ऑफ x कितना हो जाएगा मेरे पास n, और वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है एक बार, ठीक है, ये इंटीजर पे होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास जीरो कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, और मैं पूछूँ दिस का वैल्यू कितना, पता हो गया जीरो। अब वैल्यू लेस देन इक्वल टू x एंड ऑलवेज गिव्स इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 1 दे दूं यहाँ पे और ये आपका 2 दे दूं, तो यहाँ पे मैं बोलूँ इसका वैल्यू कितना बोलोगे आप, 1 बोलोगी। अगर 2 दे दूं यहाँ पे ऐसे आप 2, 3 दे दूं, तो मैं बोलूँ इसका वैल्यू कितना बताओगे आप, 2 बताओगे। अब 2 सो ऑन चलता रहेगा, और यहीं से सो ऑन चल चल के आपका ए वाला पार्ट डिफाइंड हुआ था, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है, और इसी पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत इजी है, क्योंकि बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक्स, एक्स सिंगल फंक्शन है। अगर एक्स के अलावा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, 2x होता है, 3x होता है, तब वहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये इंटीजर पे ब्रेक करता है, तो 0 and 3, देखिए लिमिट देखिए 0 3 के बीच में कितना इंटीजर होता है, तो पहला होता है 1 and 2, यानी कि यही इंटीजर पे ब्रेक करेगा। सो आई आपके पास क्या बन जाएगा, तो पहला 0 to 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और होल पावर हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे dx, प्लस सेकेंड 2 to कहाँ, सॉरी 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम लोग 2, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एक्स माइनस दिस ऐसे, और यहाँ पे होल दिस, और यहाँ पे dx, एंड देन प्लस ये पार्ट अलग है, ठीक है, प्लस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 to 3, लास्ट वाला पार्ट 2 to 3, यहाँ पे भी सेम चीज़ एक्स माइनस यहाँ पे दिस, और होल कितना लिखा हुआ है मेरे पास दिस, और यहाँ पे dx, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखिए 0 to 1 इंटरवल में आपका जो बॉक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 0 होता है, यानी कि जहाँ जहाँ ये दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर लीजिए। तो पहला हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा आपके पास एक्स टू पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे dx, प्लस सेकंड में यहाँ पे एक बॉक्स की जाएगा 1 से 2 में कितना होता है 1 होता है, इसको लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे dx, ये आपका 1 2, ठीक है। एंड देन प्लस लास्ट में मेरे पास हो जाएगा 2 3 लिख दूँ, और यहाँ पे x माइनस 2, और पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। सो i इज इक्वल टू बस x टू पावर 0 1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x कितना 0 to 1, प्लस यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा x माइनस 1, और दिस डिवाइडेड बाई दिस, और यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2, प्लस इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 to 3, बस वैल्यू पुट करना है। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1, प्लस देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 by 2, लोअर पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो 1/3, लोअर जब पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, 6 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 6 + 3 पर यानी कि 11/6 ही हमारा आंसर आ गया, हो गया यानी कि सी हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, तो आप इस टाइप से प्रोसीड कीजिए, आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।